जाने की को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। ऋष्यमोक पर्वत निय ऋष्यमोक पर्वत पर भगवान राम लक्ष्मण समेत जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर सुग्रीव भय बस छिपके रहता है। सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं। बाली के भय से सुग्रीव इस पर्वत पर छिपके रहता है और हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ सेवा करते हैं। तो सेवक का धर्म होता है द्वार पे कोई आए उससे परिचय करे, जानकारी ले, उसके बाद गृह में प्रवेश कराए। राम लक्ष्मण को देख करके कहते कौन है तू? विप्र रूप आयो भगवान को मिलने हनुमान जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आए हैं, आप कौन हो, कैसे आए हो, यहां क्यों भटक रहे हो? कहते हैं कि हम दोनों दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन यहां हरि निश्चर भय दे, यहां जानकी का हो गया बन बन फिर सुगत प्रभु ते। हम जानकी को भगवान के चरणों में हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया, प्रभु मैंने नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर देना, याचना कर देना। कहे नहीं, यहाँ तो धर्म और कर्म की बात थी, मर्यादा की बात थी, आपने अपना दायित्व तो पूरा किया। भगवान राम को ले जाकर सुग्रीव से मिलाते हैं। मित्रता की अगर बात आती है तो किसी की मुलाकात जिंदगी भर की यादगार बन जाती है, तो कोई जिंदगी भर साथ में रह के अपना नहीं हो पाता। सुग्रीव से भगवान राम ने कहा आप यहां क्यों रहते हो और किसका भय है? बोले महाराज बाली से एक समय एक विशाल राक्षस से युद्ध हुआ, आगे आगे राक्षस, पीछे बाली, साथ में मैं भी गया। राक्षस एक गुफा के अंदर छिप गया, बाली भी गया। काफी समय युद्ध होता रहा और एक दिन उस गुफा के बाहर रक्त की धार निकल गई। मुझे लगा कि राक्षस ने बाली का प्राण ले लिया, बाहर आएगा तो कहीं मुझे भी ना मार दे। मैंने ऊपर से एक शिला रख दी और कुछ समय के बाद बाली वापस आया, उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया, मेरा राजपाट भी छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। यहां पर उसे श्राप है इसलिए यहां इस पर्वत पर वो नहीं। वास्तविकता है आज आदमी दो चीजों से ज्यादा डरता है, एक मृत्यु के भय से और दूसरा समाज के भय से। भगवान राम ने कहा तो अब तुम्हें डरने की जरूरत, अब जिसके साथ राम हो उसे डरने का काम कहां है। लेकिन मित्र कौन होता है? मित्र वो है, भगवान राम ने दो जगह मित्रता का प्रमाण आया है। जैसे पूरे रामायण में भगवान के चरण तीन जगह धोए गए, सबसे पहले जनक जी ने दामाद बांध करके धोया, फिर केवट ने, उसके बाद सेवरी ने अस्त्र धाराओं से धोया। केवट ने चरण पखारे हैं, सेवरी ने नेत्रों के धाराओं से चरण पखारे और महाराजा जनक ने जा माता अपने दामाद समझ के चरण पखारे। ऐसे भगवान ने मित्र भाव दो जगह दर्शाया, एक तो सुग्रीव से मित्रता करते कह दिया जाओ आज से तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता, और दूसरा कि जात ही राम तिलक तही सारा सुमन वृष्ट नव भई, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, स्वयं संपत्ति विभीषण ही हर्ष दिए रघुनाथ।
जब वहाँ एक छोटा सा चेपक आता है, जब लंका के लिए भगवान तिलक लगा देते हैं विभीषण के कि जाओ जाते ही राम तिलक तही सारा, तो थोड़ा सा वेदना प्रकट करता है कि महाराज मेरा भाई है। तो राम जी ने कहा है वहां कि मुझे लंका की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैंने लंका का राजा बना दिया, लेकिन इस पर भी अगर तुम्हें दुख है तो लंका से कई गुना ज्यादा संपत्ति हमारे अवध में पड़ी हुई है। अगर रावण सतमार्ग पे आ जाए तो मुझे मेरे भाई भरत पर इतना भरोसा है कि मैं अवध का राज भी उसे दुला दूंगा, लेकिन एक बार सत्कर्म पथ पे तो आ जाए। परमात्मा कहता है तुम एक बार चरणों में समर्पण करो, मैं तुम्हें नर से नारायण बना दूंगा। एक बार निष्काम भाव से आप अपने आप को प्रभु के चरणों में झुका दो ना, सारी दुनिया को आपके चरणों में झुका देगा। मित्रता का भाव, और कहा जाओ अब डरो मत कि जिस जन पर कृपा प्रभु की हो वो जाके लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदया चल से अस्ता चल जाओ। वो मित्रता भगवान ने जाते ही दूसरे के भाव को ले लिया। मित्र किसे कहते हैं? भाई वो है जो भय से मुक्त कर दे, जो भयभीत करे वो भाई नहीं। भाई वो है जो भय मुक्त कर दे, वो भाई नहीं जो भयभीत कर दे। तो जा वो मित्रता और ये मित्रता के बारे में देखिए आज की मित्रता क्या है कि दोस्ती बेहद अच्छी, दोस्ती बेहद अच्छी, लेकिन मुश्किल है उसका निभाना, लेकिन मुश्किल है उसका निभाना, लेकिन मुश्किल है उसका निभाना। दोस्ती बेहद अच्छी, लेकिन मुश्किल है उसका निभाना, निभाना लेकिन मुश्किल है उसका निभाना। दोस्ती जो किसी से करो तो, दोस्ती जो किसी से करो तो वो तो सब कुछ है अपना लुटाना, जिसमें जाते ही भगवान ने उसके कष्ट दूर करने की बात करी। और आज के दोस्त कैसे रहते? मुख पे करते वो हरदम प्रशंसा, पीठ पीछे करे वो बुराई, पीठ पीछे करे वो बुराई, पीठ पीछे करे वो बुराई। स्वार्थ कारण बने प्राण घाते, स्वार्थ कारण बने प्राण घाते, दोस्ती क्या निभाना, भाव। भगवान ने कहा जाओ अब मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान की कृपा को पा करके सुग्रीव बाली से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, ललकारता है। बलों की अगर बात करें तो मैंने पहले भी बताया
सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका आत्मबल। सबसे पहला बल है आत्मबल, फिर बाहुबल, विवेक का बल, अध्यात्म का बल। अगर ये चार बल हैं तभी आपके साथ खड़ा होगा समाज का बल। और जब ये सारे बल एक बाजू हो जाए, कोई साथ ना दे, तो आपके साथ अगर एक ही आ गया परमात्मा का बल, तो ये सारे बल की कोई जरूरत नहीं। दोनों एक ही स्वरूप के हैं, देखने में बाली और सुग्रीव एक जैसे लगते हैं। प्रथम दिवस के युद्ध में बाली पराजित हो जाता है और राम से कहता है, भैया आपके कहने से मैंने युद्ध किया और मेरी पिटाई होती रही, आपने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा आप दोनों एक ही स्वरूप के हो, गलती से अगर एक बाण आपको लग जाता तो आपकी भी मृत्यु हो जाती। नहीं, भगवान ने यहाँ आध्यात्मिक तौर से संकेत दिया कि निराकारण किसी पे प्रहार मत करो। इस जीवात्मा को भी अपने बल से कुछ प्रतिज्ञा करने दो, क्योंकि आसानी से अगर कोई मिल जाए तो उसका कीमत। दूसरे दिन भगवान ने अपने गले से माला उतार कर पहना दिया है, कहले लगा जाओ। भगवान स्वयं बाली के आगे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ब्रह्म का दिया हुआ वरदान है, उसे कैसे मिटा देते। भगवान ने तो अवतार मर्यादा के लिए लिया था ना, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान मिला था कि उसके समक्ष जो भी बलशाली योद्धा जाए उसकी आधी ताकत खींच कर बाली के अंदर आ जाती थी। भगवान स्वयं भी जाते तो उनकी भी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती। भगवान ने वृक्ष के ओट में अपने आप को खड़ा किया और जैसे ही अवसर मिला